एक नाज एक साता का माहौल लगा सारे बंदे तरह गौर करना जी इधर वेखो जी छोटा जहा यह छोटी पटारी वाला सारे भरा गौर करो यह सब के ए नाग के मतलब मेरा चैलेंज है और मेरा ऐलान है ऐनी महफल है पिछे हो रहा थोड़ा जहा ऐनी महफल है ऐनी महफल के बचो कोई मेरा भरा वड्डा चाहे छोटा है या कलमा सोने पाक नबी का पढ़ के एक गल मैनू कहे बिस्मिल्लाह जी बानदर खान जी सुनाओ ठीक हो मैं वेला होकर फोन करना एक नाग एक साबा मैं माहौल लगा जी यह छोटा जहा यह छोटी पटारी वाला इधर वेखी जरा ए सब के ए नाग के मतलब मेरा चैलेंज है और मेरा ऐलान है ऐनी महफल है ऐनी महफल के हैलो कोई मेरा भरा वड्डा चाहे छोटा तो कलमा सोने पाक नबी का पढ़ के एक गल कवे कि सब छोड़ो नी बारे ए नाग ए तेरे तो अलावा या तेरे बुजुर्गों तो अलावा किसी तीजे बंदे को वेखिया ए वेखी किसी तो कि मानदरी सपेरे सपा तेरे खलारे को मुसलमाना की महफल ही रुपया सौ जेब तो कट गई नाम देवगा शरद नहीं आलो वेख लो कई बंदे कहते हैं भा कि नाग जरा असं नहीं वेखिया तो तू नहीं फिरना सारे बंदे तेरा गौर करो जी अंदर वेखो यो सप है अल्लाह पाक की रात ने थले वाला हिस्सा सप का बनाया यदि उतली साइड के उत्तर वेखो जी एक बंदे की शकल एक बंदे की तस्वीर साफ तरीके का किमें लाई जो कई मेरे भरा वेखन तो बाद गल कह मजबूर हो जाते हैं कि सापा के बंदे की शकल वाला वेखी है मेरे को दिंदा मौजूद ही दिंदा मैं भरावान दखा के सामने लगा खोल के छड़न ऐसा जरा गौर करो जी जरा नाग सब में खोलन लगा भाई जान ये सब ने यह नाग ने अपनी पूरी जिंदगी दे दो बारी काया बदली एक तो तीन गल पहली बारी इन्हें काया बदली इधर तवजो करी जरा पहली बारी इन्हें काया बदली इन्हें अपने पीर अपने मुरशद की मौत की जी सताई हो गए ने इन्ह सपा के नागा का पीर मुरशद रहबर कौन सी जिले सियालकोट के रहने वाला नाम का गुगा के दाद का चौहान गुगा पीर ना गुगा पीर एक साल का बच्चा सी पड़ोसारी गुगे की मां ने गुगे पीर इन करके चार पाई तो लटाया आप घर के किसी काम लग गई तो घड़ी के मिनट पांच नहीं गुजरे तो गुगे की मां ने जो पिछे मुड़ के वेखिया तो वेखनी की है गुगे सरकार की छाती से साबा पखे वाला बैठा गुगा पीर भाजी सब का मूह फट के ना अपने मूह च पा के आने खेड दिया जो मैं बच्चा खड़ाने ना खेड दिया गुगे की मां ने यह सीन वेखिया यकदम घबरा गई रौला दवाई शोर पाना शुरू कर दिता मेरे बच्चे की छाती से सप बह गए शोर सुन के महल्ले के तमाम आंधी गुआंधी जमा हो गए बिचो एक जवान को गुस्सा चढ़िया उन्हें वर के डांग फड़ी है सप न मारन लगा गुगे की मां कह लगी बेटा ठहर जाई ये डांग सुट दिता क्यों मारन लगा कहना मां जी मैं सप मारन लगा कह लगी बेटा सप नहीं तो मेरा बच्चा मारन लगा कहना मां जी हो किमें कहती पुत्र सप मेरे बच्चे की छाती से बैठा है उतो डांग सोटा डंडा मारेगा सप मरे ना मरे तेरी सट ना मेरा बच्चा मर जाना वो जवान ने डंडा सुट के ना लोगों ने खलो के तमाशा वेखना शुरू करता सियाने बुजुर्ग कहते हैं जिन रब की रात रखे उन्हें कौन मारे गुगे पीर का सिर का वाल विंगारा होया आई साहब है पखे वाला सप गुगे की छाती उतरिया वापस चला गया गुगा पीर दशा बारह साल का होया बारह बजे का टाइम छड़ी सारिया गलों छोड़ो यार पहले सप वेखो गल बड़ी लंबी है मैं शाम तक लगा रहा गल